कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में शहर में कई जगहों पर भव्य दही हंडी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी श्रृंखला में वाना डोंगरी स्थित मैदान में जय जवान जय किसान एवं अभिनव सेवा सहकारी संस्था के संयुक्त तत्वावधान से दही हंडी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया था। इस समय विशेष रूप से हिंगना निर्वाचन क्षेत्र के विधायक समीर मेघे उपस्थित थे। पूरे महाराष्ट्र में गोविंद आलारे आला की धूम बची हुई है, जहां जगह जगह पर दही हांडी के भव्य कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न संगठनों द्वारा किया जा रहा है, जिसके उद्देश्य के अनुरूप युवाओं के कला गुण एवं कौशल्य को नई दिशा मिल सके। इस दृष्टि से जय जवान जय किसान संगठना साथ ही साथ अभिनव सेवा सहकारी संस्था द्वारा हर साल की तरह इस साल भी भव्य दही हंडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहाँ शहर के विभिन्न क्षेत्रों से युवाओं की और महिलाओं की टीम ने इस भव्य आयोजन में शिरकत की, जहाँ प्रथम द्वितीय एवं तृतीय के रूप में पुरस्कार वितरित किए गए। जाहिंगना निर्वाचन क्षेत्र के विधायक समीर मेघे की उपस्थिति में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस समय विधायक समीर मेघे समेत वाना डोंगरी शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी विशेष रूप से इस कार्यक्रम में शिरकत की, जहाँ लंबा स्तर बनाते हुए गोविंदाओं के संगठनों ने मटकी फोड़ने की तहे दिल से कोशिश की। इस प्रतियोगिता का सबाब गोविंदा आला रे आला की धुन में निखर उठा। इस मौके पर विधायक समीर मेघे ने उपस्थितियों को कृष्ण जन्मोत्सव एवं गोकुलाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वाना डोंगरी मध्ये फार मोठ्या उत्साहाने दही हंडीचा कार्यक्रम दरवर्षी साजरा होतो। मी आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि जय जवान जय किसान या माध्यमातून या संस्थेच्या माध्यमातून आभा आणि त्याची पूर्ण टीम फार चांगल्या पद्धतीने दही हंडी आयोजित करते। मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि आभार मानतो। एक चांगला कार्यक्रम इथल्या लोकांसाठी आयोजित करतात आणि येणाऱ्या काळामध्ये अजून याच्यापेक्षा मोठ्या स्वरूपात आपण इथं दही हंडी आयोजित करू एवढं मी आपल्याला सांगू इच्छितो। परत एकदा आपल्याला मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि आपला प्रेम आशीर्वाद नेहमी आमच्या सोबत राहो अशी विनंती सुद्धा करतो। कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष डेबरे की रिपोर्ट।